गाइस, अगर आपको 2023 में बोर्ड एग्जाम देना, आप इस साल कक्षा 12 में गए हो, तो गाइस यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइस आज हम आप सभी लोगों के साथ उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, जो गलतियां आप जाने या अनजाने में करते हो, जिसके वजह से आप अंतिम समय में परेशान हो जाते हो और बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज नहीं आता। गाइस आप समय रहते इन गलतियों को सुधार लो और बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज प्राप्त करो। गाइस आपने क्लास 10th पढ़ा हो या ना पढ़ा, क्लास 11th तो आपकी कैसी भी तैयारी हो, अगर आप क्लास 12th में सही तरीके से सही समय से रणनीति के साथ में आप तैयारी कर लेते हो, आप जो भी परसेंटेज चाहते हो वो परसेंटेज प्राप्त कर लोगे। आप 90 प्लस चाहते हो उतना भी आ जाएगा, बस इतने मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। गाइस चलिए उन गलतियों को मैं बता रहा हूं, जिन गलतियों को आपको आज से ही सुधार लेना है, सुधारोगे कि नहीं जरा बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। गाइस सबसे पहली गलती है कल से पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो कल से पढ़ने वाले हैं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। गाइस एक बात ध्यान रखना, जो कहता है कल से पढ़ेंगे, कल कल करते करते आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे, फिर वही हाल होगा जो आपका क्लास 11th में हुआ था, वही हाल होगा जो क्लास 10th में हुआ था। आपको आज से पढ़ना है। गाइस मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिखर बैच में क्लासेज अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर लाइव क्लासेज स्टार्ट कर दिया हूं। काफी सारे बच्चे जुड़कर बहुत ही मेहनत के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं डेली क्लासेज के साथ में। गाइस आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके मेहनत से पढ़ाई कर सकते हैं। और कल कल का चक्कर छोड़ो, आज से ही ज्वाइन करो और मेहनत के साथ में पढ़ाई करो आप सभी लोग। नेक्स्ट गलती है डेली पढ़ाई नहीं करना। मैं कुछ स्टूडेंट को जानता हूं और आप भी ऐसे होंगे, सही बात है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज पढ़ोगे 10 घंटे, कल पढ़ोगे 2 घंटे, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक अच्छा से टाइम टेबल बनाकर, अगर नहीं बन रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं बना के दूंगा। एक अच्छा से टाइम टेबल बनाकर रेगुलर पढ़ाई करो, रेगुलर डेली पढ़ाई करो, डेली आप पढ़ाई करो, भले 7 ही घंटा सही, 6 ही घंटा सही, 5 ही घंटा सही, लेकिन रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। रेगुलर आपको पढ़ाई करोगे तो बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी और समय पर्याप्त है आप सभी के पास। गाइस यहां पर आपके शिखर बैच में रेगुलर क्लासेस चल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस के जरिए आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप एक बार बहुत सी जगह से पढ़े होंगे अभी तक, लेकिन एक बार आप सभी लोग यहां पे भी जुड़ के देखें, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ मेहनत कैसे कराई जाती है, आपको खुद ही पता चलेगा किस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, किस तरह से डायरेक्शन दिया जाता है, न केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के बाद की भी सभी चीजों को एकदम क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट चीज आती है गाइस नोट्स न बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यहाँ करेंगे कोचिंग, वहां करेंगे कोचिंग, कहीं का नहीं लिखते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो समझना आप कुछ नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आज जो पढ़ते हो आज तो समझ में आता है, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब देखोगे ना उतना ही समय लगेगा जितना आज पढ़ रहे हो, तो समय किसी के पास इतना होता है क्या? इसलिए आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना चाहिए। हालांकि मैं ये जो शिखर बैच है आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से डेली क्लासेस के साथ में सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स बेहतरीन तरीके से, एकदम आपको केवल और केवल मेहनत करना है। एक बार सभी लोग जरूर इन गलतियों को सही करेंगे और गलती को सही करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर इन गलतियों को मैं आज से बंद करता हूं और पूरी लगन के साथ में, पूरी ताकत के साथ में मैं तैयारी करता हूं, बोलो करोगे कि नहीं करो जरा बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी लोग इस शिखर बैच को ज्वाइन करें और मेहनत के साथ में पढ़ाई करें, समय को बर्बाद न करें, कल पे न छोड़े, आज से ज्वाइन करें और आज से पढ़ाई स्टार्ट करें, आज से मेहनत स्टार्ट करें। बोलो करने के लिए तैयार हो आया ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, कितने घंटे पढ़ाई करोगे आज से ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सभी को जय मां सरस्वती, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को।